नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुश स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पैसा बनाओ में। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 स्टॉक्स जो हैं वो कवर करेंगे, उनके रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है उनको हम देखेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप किसी स्टॉक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस स्टॉक पर एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो एक बना दी जाए। तो चलिए देखिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे, सबसे पहले देखने वाले हैं अग्नि ग्रीन। देखिए अग्नि ग्रीन एक छोटी सी कंपनी है, लगभग 124 करोड़ की कंपनी, और जब इस पर हमने सबसे पहले वीडियो बनाई थी तो ये शेयर लगभग 28 या 29 रुपये पर ट्रेड किया करता था, और आज ये जो शेयर है ये है 64 रुपीज़ पर, और यहाँ से भी देखिए इसके बहुत आगे तक जाने की संभावना है। अभी भी ये इसने लगभग 80 रुपये का इसने हाई लगाया था। अभी देखिए अगर इसके हम हाई की बात करते हैं तो इसका जो 52 वीक का हाई है लगभग 85 रुपीज़ है, तो काफ़ी शानदार इसने देखिए रैली दिखाई है और आगे भी अच्छी रैली ये दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी को देखिए लगातार ऑर्डर मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में आज ही इसको 8,76,71,520 रुपये का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए 8,76,71,520 रुपये का, और ये जो ऑर्डर मिला है ये वेस्ट बंगाल की सरकार जो है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ से इसको ये ऑर्डर मिला है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो यहाँ आपको दिखेगा रिसीव वर्क ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी WBREDA। जैसे इंडिया में इरेडा कार्य करता है वैसे ही वेस्ट बंगाल में ये जो वेस्ट बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ये कार्य करती है, तो इसकी ओर से इसे ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर एक मिला है। तो इस शेयर को अगर यदि आप चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट शेयर जिसका नाम है HCC, और ये जो देखिए HCC है इसमें अभी करंट मार्केट प्राइस इसका अगर हम देखें तो 35 रुपये 40 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है, और ये देखिए ये राइट इशू लाने वाले हैं, और राइट इशू जो रहने वाला है वो रहेगा 350 करोड़ का इसका साइज रहने वाला है। देखते हैं कल को क्या इसका एक्शन देखने को मिलता है शेयर के प्राइस पर। इसका जो रेशियो रहने वाला है, देखिए रेशियो रहेगा 1:9, मतलब किसी के पास अगर 9 शेयर हैं तो उसको एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। इसकी जो रिकॉर्ड डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 16 मार्च 2024, ये जो ओपन होगा, ओपन होने की डेट है हमारा 26 मार्च 2024 से, और इसकी जो एंड डेट होगी वो रहेगी हमारी 2 अप्रैल 2024। तो देखिए अगर इस राइट इशू में आपने प्रतिभाग करना है तो आपके पास 16 मार्च को जो इसकी रिकॉर्ड डेट है 16 मार्च तब तक आपके पास इसका शेयर होना चाहिए, तो आपको 9 शेयर पर एक शेयर फ्री आपको इसका मिल जाएगा। तो देखिए अभी देख लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक का नाम है ओरिएंटल रेल इंफ्रा लिमिटेड, और ये जो कंपनी है देखिए ये वैगन में काम करती है, रेलवे के वैगन बनाती है, और इंडियन गवर्नमेंट का आपको पता ही है कि फोकस है, बहुत मेनली फोकस है रेलवे के ऊपर। तो और अगले 3 से 4 साल में 3,000 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें कि लगभग लगभग 35,000 बोगियाँ नई बननी हैं, तो उसमें ही इस कंपनी को देखिए 3,055 वैगन का ऑर्डर मिला है, 2964 से 3,055 तक इन्होंने बोगियाँ बनानी हैं, और ये जो ऑर्डर है इसका जो साइज होगा देखिए 1,249,09,78,500, तो इतना बड़ा ये ऑर्डर है। और देखिए आप देख रहे होंगे कि बड़ा कैसे, मतलब 1,200 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कुल 1,300 करोड़ की ये कंपनी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक ऑर्डर है। इसके लिए आप चाहें तो इस कंपनी को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। और देखिए अभी अगर पी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा महंगा हमें दिखाई देता है, और 1,300 करोड़ का, जैसे मैंने बताया था आपको कि 1,300 करोड़ की ही ये कंपनी है, अगर इसकी हम टोटल ऑर्डर बुक देखें तो बहुत बड़ी है, तो इसलिए फ्यूचर के लिए थोड़ा सा लंबे समय के लिए इस शेयर को कंसिडर किया जा सकता है। बाकी देखिए सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, न्यूज़ बेस में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो अपनी एनालिसिस जरूर करें और तभी इन्वेस्ट करें, या फिर किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइज़र जरूर लें। देखिए सेल्स देखें तो 61 करोड़ की हुआ करती थी, अभी 147 करोड़ की हो गई है, और प्रॉफिट भी कंपनी के बहुत शानदार हैं, जो 2 करोड़ के हुआ करते थे वो हो गए हैं अभी 13 करोड़ के, तो अच्छी जंप हमें हर जगह देखने को मिल रही है कंपनी में, शानदार कंपनी दिखाई देती है। बाकी आप अपने एनालिसिस जरूर कर लें इन्वेस्ट करने से पहले। अभी चलते हैं देखिए अपने नेक्स्ट स्टॉक पर, जो कि अगेन है हमारा रेलवे सेक्टर का ही, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर इस शेयर को रेलवे का वन ऑफ द बेस्ट शेयर कहा जाए तो कम नहीं होगा। अगर देखिए बात करें अभी हाल फिलहाल की, तो 6 घंटे पहले ही कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, काफ़ी अच्छा 300 करोड़ से ऊपर का ये ऑर्डर है, और
अगर इससे पहले भी देखें तो देखिए कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ देखते हैं तो कल भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला था और आज अभी 6 घंटे पहले भी कंपनी को नया ऑर्डर मिला है। कल देखिए 500 करोड़ का था, आज 300 करोड़ का है। इससे पहले भी देखिए 7 मार्च को कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था। तो लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। फिलहाल मंदी का दौर जारी है जिसमें कि देखिए प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन ये कंपनियाँ काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं। लेकिन इनके साथ बस एक दिक्कत रहती है कि सरकारी कंपनी और सरकारी पॉलिसी कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता। तो देखिए अगर ऑर्डर बेसिस देखें और वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है। अगर देखिए बात करें एनएलसी इंडिया की तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एनएलसी इंडिया, और इसने जो है 7,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं अपने राजस्थान सरकार के साथ। और ये जो रहेंगे ये सोलर पावर प्लांट में ये एमओयू हुए हैं इनके। तो ये भी देखिए काफ़ी अच्छा एक शेयर हो सकता है। कंपनी का हम मार्केट कैप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसमें देखिए 7,000 करोड़ के एमओयू इसने कल ही साइन किए हैं जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस कंपनी को जो है हम अपने रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनी है, सरकार जो है अभी गवर्नमेंट सेक्टर पे तो बहुत ही फोकस कर रही है। तो देखिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक। स्टॉक का नाम है SJVN, 112 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी आज गिरावट 6% की हमें इसमें देखने को मिली है। देखिए अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में जो है गिरावट चल ही रही है तो ये नॉर्मल है, लेकिन कंपनी देखिए वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। अगर हम इसका हाई देखें 170 और 30 रुपये इसका लो प्राइस है, 60 रुपये से इसको हम बता रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि 60 रुपये से कंपनी अच्छी थी। तो जब से जिसने लिया होगा काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होगा। फिलहाल डाउन चल रही है, फिर से एक अच्छा मौका बन सकता है खरीदने का। बुक वैल्यू है 36 की, और देखिए कंपनी जो है सारी चीज़ें तो अच्छी हैं लेकिन फिर भी अगर इसको देखें हम तो काफ़ी अच्छे नए ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देखें तो 2 दिन पहले ही 500 मेगावाट का एक और दूसरा जो है 100 मेगावाट का, तो कुल मिला के 600 मेगावाट के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। इसके अलावा अगर 7 मार्च को देखें तो यहाँ भी देखें 9,000 मेगावाट कैपेसिटी की जो सोलर स्कीम प्रोजेक्ट है वो इसको मिला था गवर्नमेंट सरकार महाराष्ट्र सरकार से। इसके अलावा 3 तारीख को देखिए कवाड़ा सोलर पार्क इसने स्थापित करने के लिए एक बोली जीती थी, ये 200 मेगावाट का होने वाला है। इससे पहले 27 फरवरी को, तो कुल मिला के देखिए कंपनी को जो है काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी एमयूज कर रही है, तो काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।